सत्या तो देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाबी, मैं हाँ सुमन जेटली। केंद्र की मोदी सरकार के वालों बनाए नवे खेती कानून के विरुद्ध पंजाब और हरियाणा के किसान अंदर गुस्सा सिखर से है। तो दोवें सूबों के किसान इस बिल नूं रद्द करन दी मांग कर रहे हैं। कि इन बिलों नूं रद्द करवाउण दे लई मांग करन तो बिना भी कोई हल है? जिस जरिए अड़ियल रवैया अपनाई बैठी मोदी सरकार दे इस कानून नूं रोकिया जा सके। पंजाब सरकार ने तो इस प्रति कदम चुकने शुरू भी कर दिए ने, जिस तहत विधानसभा का विशेष सैशन बुलाया गया, जिस विच सब पार्टियां ने मिलकर किसानों के हक नूं पहल दिंदियां केंद्र दे बिल विरुद्ध लियांदे प्रस्ताव के हक 100% वोटिंग करके एक सख्त सुनेहा दिता। पर कि यह सब कोशिश खेती कानून नूं रद्द करवाउण दे लई काफ़ी है? कि एक हेठला सदन उपरले सदन के फैसले नूं पलट सकता है? कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़का इस बिल नूं वापस करवाया जा सकता है? आओ अज तुहानूं दस दें कि इस बिल नूं पंजाब च लागू ना होण ते रद्द करवाउण दे कानूनी तरीके मौजूद हन जां नहीं, कि मोदी सरकार दे इन्हां खेती कानूनां नूं रोकणा मुमकिन है या नहीं, जे रोकिया जा सकता है तां उसदे तरीके की हैं, कि सूबा सरकारां खेतीबाड़ी कानूनां नूं अपने सूबे विच लागू होण तों रोक सकदियां ने। भावें खेतीबाड़ी कानून नूं लै के पंजाब अते हरियाणा दोवें सूबिआं दे किसान जम के प्रदर्शन कर रहे हैं, पर केंद्र दे इस कानून दे विरुद्ध इकली पंजाब दी कांग्रेस ही डटी हुई है, क्योंकि हरियाणा दे विच तां भाजपा दी ही सरकार है, फिर वो अपनी पार्टी दे फैसले खिलाफ किवें जा सकदे ने। दूजे पासे कांग्रेस दे स्टैंड पिछे उन्हां दा मकसद भाजपा विरोधी होना है, अते कांग्रेस दी पार्टी प्रधान सोनिया गांधी ने इस बिल नूं विधानसभावां च रद्द करन दे हुकम दिते ने। पर कि सोनिया गांधी द्वारा दसे इस सुझाव नाल खेती कानून रद्द हो सकदे ने? जी हाँ, कानूनन तौर ते मुमकिन है, पर इस विच भी कई पेचीदगियां ने। मुख कानून तहत दोवां सरकारां कोल कानून बनाउण दे लई आपो अपनियां वक्खो वक्खरियां सूचियां भी ने, जिस तहत किस कोल केड़ा कानून बनाउण दा अधिकार है। पहले नियम तहत उस सूची जिस विच केंद्र द्वारा बनाए जाण वाले कानून दी लिस्ट है, दूजी उस सूची जिस विच सरकार दी अधिकारिक शक्ति अधीन आउण वाले कानून हन, अते तीसरी संवर्ती सूची जिस विच दोवां सरकारां मिल के सांझे तौर ते कानून बना सकदियां ने, जो सोनिया गांधी ने संविधान दी धारा 254(2) दसी है वह संवर्ती सूची है, जिस विच केंद्र सरकार दीआं बणाईआं तजवीज़ां नूं सूबा सरकार रद्द कर सकदी, क्योंकि जे राष्ट्रपति पंजाब सरकार दे बिल ते मोहर लगाउणगे तां ही इह बिल पंजाब विच रद्द होवेगा। जो जो सूबा अपनी विधानसभा च कानून पास कर राष्ट्रपति तों मंजूरी लै लवेगा, उत्थे इह कानून खत्म हो जाएगा। कि सूबा सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है? सूबा सरकारां इस कानून विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जा सकदियां ने। बस इस दे विच इह जरूरी है कि इह कानून सूबा सरकार दी सूची विच आउणा चाहीदा है, अते इह कानून सूबे दीआं संविधानिक शक्तियां दे खिलाफ भी करदा होवे, फिर सुप्रीम कोर्ट इस दी सुनवाई कर सकदा है। नहीं तां सुप्रीम कोर्ट इन्हां कानूनां ते स्टे नहीं दे सकदा, जिस तरह UAPA ते CEA दे कानून दी अपील च होया सी। पंजाब सरकार नूं सालाना इन्हां फसलां तों 3500 करोड़ ते हरियाणा नूं 1600 करोड़ रुपए आमदन प्राप्त होंदी है। कि हरियाणा सरकार नूं सूबे ते किसानां दे हित नूं वेख के केंद्र दा फैसला विरुद्ध पंजाब दे नाल मिल के नहीं लड़ना चाहीदा? बाकी पंजाब सरकार ने कानूनी तौर ते पहलकदमी करदिआं अपना कानून राज्यपाल नूं सौंप दिता है, जिन्हां दी मंजूरी बारे आने वाले समय च पता चलेगा। बाकी यह भी गल वेखण योग है कि पंजाब सरकार अपनी काबिलियत अते दूजे सूबिआं दी सरकारां दी मदद नाल केंद्र ते दबाव बना ये कानून वापस करवा सकती है या नहीं, ये भी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे मोढ़िआं ते इक वड्डी जिम्मेवारी है।